हेलो डी स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति तो अभी तक आपने देखा कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह करा है क्वेश्चन हमने कम करे हैं राइट तो अब इ कुछ वीडियोस में मैं क्वेश्चंस भी डालने वाली हूँ मतलब बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी आते रहेंगे क्वेश्चंस भी आते रहेंगे ठीक है तो इस वीडियो में मैंने एक बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट करा है बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल आप सबको आता ही होगा बट स्टिल मैं चाहती हूँ एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ ठीक है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड राइट तो अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिकी क्वेश्चन लिया जो बिल्कुल ईजी है ठीक है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग तो इसमें क्या कह रहा है कि अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम मतलब कि आपने क्या करा है एक लेटर चूज करा है किसमें से इंग्लिश अल्फाबेट में तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं सबको पता है कि ए टू जेड होते हैं राइट right. तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर सो चूजन इज अ प्रीसीड्स एम एंड इज अ वॉवल नेक्स्ट क्या है फोलोज एम एंड इज अ व ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि आपको इन सब की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर एक वावल आता है तब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर प्रीसीड्स एम का मतलब क्या है कि एम से पहले वाले लेटर्स है बट उनमें भी एक कंडीशन क्या लगा दी कि वो भी वावल होना चाहिए ठीक है थर्ड वाला क्या है कि आपका फोलोज एम मतलब कि एम के बाद में आना चाहिए बट वो भी सारी मतलब वॉवल होना चाहिए उसी की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ठीक है तो पहले एक बार आपको देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं तो वी ऑल नो कि आपके पास जो अल्फाबेट होते हैं वो कान, कान, कौन कौन से होते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के ट्वेंटी सिक्स काउंट करते हैं इनको एक दो चार आठ आठ और चार बारह बारह और चार सोलह सोलह और चार बीस बीस दो बाईस बाईस और चार छब्बीस मतलब हमने सही लिखे हैं ठीक है तो इट्स जॉग तो, तो यहाँ पे देखो अब जो पहला पार्ट है वो क्या है कि आपके वोवल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वोवल होने की प्रोबेबिलिटी मतलब कितने है, अगर हम बात करें तो मतलब नंबरिंग अगर हम बात करें तो टोटल नंबर कितने ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब अगर हम बात करते हैं अब हमें वॉवल की प्रोबेबिलिटी निकालने तो यहाँ पे वॉवल क्या है मतलब उसको हम मान लेते हैं इवेंट जबकि इवन हमने मान लिया इवेंट तो इसमें कितने आपके पास ववल्स हैं वो देखते हैं आपको सबको पता है वैसे पांच होते हैं ई आई ओ यू ठीक है एंड ए हमारा राइट right? तो यहां पे देखो अब आपको ये देखना है कि आपके कितने वावल्स आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि वन टू थ्री फोर फाइव नंबर ऑफ इवेंट मतलब कि इसमें वॉवल कितने हो गए टोटल फाइव तो अब आपको प्रोबेबिलिटी पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ठीक है अपॉन में नंबर ऑफ टोटल एक्जोस्टिव केसेस या फिर नंबर ऑफ एग्जोस्टिव केसेज मतलब टोटल वही बात है ठीक है नंबर ऑफ एक्जोस्टिव केसेस यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी फेवरेबल कितने है? आपके पास फाइव अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेज मतलब सैंपल स्पेस में कितने है? नंबर है ट्वेंटी सिक्स तो आपकी बेसिकली वावल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ गई फाइव बाई ट्वेंटी सिक्स ठीक है इसी तरह हम अपना नेक्स्ट वाला पार्ट प्रोसीड कर लेंगे सिमिलर वे में बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो एक बार देखते हैं तो इसमें देखो जो आपका इसकी प्रोबेबिलिटी वो आ गई आपके पास फाइव बाई ट्वेंटी सिक्स फर्स्ट पार्ट की ठीक है अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की अब ये कह रहे हैं कि precedes M, मतलब कि प्रीसीड्स एम एम मतलब से पहले जितने वावल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं तो वो तो जो आपके पास सैंपल स्पेस कितना रहेगा ट्वेंटी सिक्स राइट अब आपको देखना की एम से पहले कितने वावल आते हैं प्रीसीड्स का मतलब वो ये कि जो एम से पहले वावल्स आते हैं तो एम आपका क्या पे स्टैंड करता है ये वाला तो इस एम से पहले कितने वावल्स आ रहे हैं वन टू एंड थ्री एंड आई तो कितने आ आगे टोटल थ्री वावल्स. तो इसको हम मान लेते हैं इवेंट टू इसको हमने माना था इवेंट वन तो मतलब कि नंबर इसमें इवेंट टू में कितने हैं आपके पास थ्री ओनली तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी n ऑफ ए टू अपोन में n ऑफ सैंपल्स मतलब सैंपल्स uh, में से कितने नंबर है तो इसमें कितने हैं थ्री एंड अपोन में ट्वेंटी सिक्स तो ये आपको हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर ठीक है सिमिलर वे में आप कर लोगा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन इसमें बस क्या पूछा है कि फोलोज एम एंड इज अ अवल मतलब कि एम के बाद कितने वॉवल्स आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पे देख सकते हो आप एम के बाद कितने वॉवल्स है हमारे पास एक तो हमारा हो गया एम यहाँ पे स्टैंड करता है तो एम के बाद ओ हो गया एक तो ठीक है दिस वन एंड दिस वन ओ एंड यू ओनली तो मतलब कि आपके पास कितने हो गए इसको हम सपोज ए थ्री मान लेते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ मतलब इसमें कितने हैं ए e, थ्री में टू ओनली ठीक है एंड टोटल सैंपल स्पेस मतलब कितने नंबर इसमें ट्वेंटी सिक्स टू ओनली तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी टू बाई ट्वेंटी सिक्स दैट इज वन बाय थर्टीन तो हमारा वन बाय थर्टीन जो है इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का ओके सो so बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि क्या वो बोलना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके सोल्व करना है ओके सोया गाइस आपको आई होप समझ में आ गया होगा एंड uh, अगर कुछ डाउट आता है ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आता है अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर देना ठीक है तो आप ना डाउट भेजो हम सोल्व करके फिर आपका क्वेश्चन सोल्व कर देंगे ठीक है कोई भी आपको डाउट बेसिकली नहीं रहना चाहिए ठीक है सोया गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर